In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Jung. Dosto Jung jo release hui thi 19 April 1996 ko aur ye ek Bollywood action drama film hai jisko 5 mein se 2 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर है टी रामा राव, इसके जो प्रोड्यूसर है वो है राजीव कुमार और इसके राइटर है संतोष सूरज। बात करते हैं कास्ट की। इसमें अजय देवगन, वाणी विश्वनाथ, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, रंभा और सदाशिव अमरापुरकर, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बता दें कि फिल्म के अंदर जो अजय देवगन का रोल था वो अजय देवगन से पहले ये रोल ऑफर किया गया था चंकी पांडे को, लेकिन चंकी पांडे ने ये रोल करने से मना कर दिया। देन चंकी पांडे के मना करने के बाद अजय देवगन का रोल दिया गया अक्षय कुमार को, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया, तब जाके ये रोल दिया गया अजय देवगन को। और इसमें जो मिथुन दा का रोल था वो पहले ऑफर किया गया था संजय दत्त को, लेकिन संजय दत्त ने ये रोल करने से मना कर दिया। देन उनके मना करने के बाद ये रोल दिया गया, ऑफर किया गया अनिल कपूर को, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया। उनके मना करने के बाद ये रोल दिया गया अमिताभ बच्चन को, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया। देन अमिताभ बच्चन के मना करने के बाद ये रोल ऑफर किया गया सुनील शेट्टी को, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया। तब जाके ये रोल दिया गया मिथुन दा को, और मिथुन दा ने ये रोल सुनते ही उन्होंने झट से हाँ कर दी इस रोल के लिए। और उनका कहना था मिथुन दा का कि वो इस तरह के रोल करना बहुत पसंद करते हैं। और मिथुन दा का फिल्म के अंदर एक रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का। अब आपको बता दें कि जिस भी कास्ट ने ये रोल करने से मना किया, चाहे वो अजय देवगन का हो चाहे वो मिथुन दा का हो, सबका एक ही रीजन था कि सबको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, किसी को भी फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इसलिए सारे कास्ट ने फिल्म करने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 6 करोड़ 2 लाख का, 6 करोड़ 2 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 10 करोड़ 20 लाख का, 10 करोड़ 20 लाख का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 15 लाख 15 लाख की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 10 करोड़ 35 लाख का, 10 करोड़ 35 लाख का। फिल्म का जो बजट था वो था 4.5 करोड़ का। अब 4 करोड़ 50 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 6 करोड़ 2 लाख का। उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि जंग बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी, लेकिन जो विकिपीडिया है वो फिल्म को हिट की वर्डिट देता है। लेकिन अगर आप इसका बजट और नेट कलेक्शन को कंपेयर करो तो फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिट है वो है अबव एवरेज की। अगर मैं फिल्म के गानों की बात करूं तो फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे। गानों को कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। अब आपको बता दें कि फिल्म जो है इसमें अजय देवगन और मिथुन दा का जो रोल था दोनों ने सगे भाई का रोल निभाया था। अगर मैं आदित्य पंचोली के रोल की बात करूं तो उनका फिल्म के अंदर डबल रोल था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।